मजे कली के सफर पर स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ नफीसा खान। दोस्तों, मोहब्बत एक बहुत ही प्यारा अल्फाज है। इश्क और जुनून के बीच जब प्यार में सुकून मिलता है तो ये सबसे अच्छी फीलिंग्स में से एक है। लेकिन आजकल के युवा रिश्ता बना तो लेते हैं मगर उसे लंबे वक्त तक चलाने में नाकामयाब हो जाते हैं। तभी टॉक्सिक रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप और डेटिंग ऐप्स के चक्कर में ज्यादातर लोग पड़े रहते हैं। हालांकि इन सभी मुसीबतों से निकलने के लिए अब एक नया तरीका और एक नया ट्रेंड भी सामने आ गया है। रिलेशनशिप के नए टर्म बॉय सोबर की खूब चर्चा इन दिनों सुनाई दे रही है, जो युवाओं के बहुत काम भी आएगा। लेकिन इसके बारे में आपको पहले से ही सब कुछ समझना होगा ताकि आप भी नए ट्रेंड के साथ ही जिंदगी को आबाद कर सकें और साथ ही अच्छी लाइफ को भी आगे बढ़ा सकें। बात करते हैं आखिर क्या होता है बॉय सोबर। बॉय सोबर एक कॉमन शब्द है जो लड़के और लड़की दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें आप टॉक्सिक रिलेशनशिप के साथ जीना छोड़ देते हैं, खुद को निखारने में समय लगाते हैं, फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ सीखते हैं। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो बॉय सोबर प्रैक्टिस का मतलब है कि आप दूसरों से प्यार की अपेक्षा करना बंद कर दें और सेल्फ लव या सेल्फ लव की ओर बढ़ें। आपको बता दें कि ये प्रैक्टिस फिलहाल यूरोप और अमेरिका में ज्यादा की जा रही है। हालांकि भारतीय युवा भी अब इसे अपना रहे हैं, खासतौर से वो युवा जो शहरों में रहकर मोटी सैलरी वाली नौकरी कर रहे हैं। बात अगर की जाए कि ये ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ तो आपको ये भी बता देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले अमेरिकी कॉमेडियन होप वुडार्ड ने वॉइस ओवर शब्द निकाला था, जिसके बाद ये टर्म युवाओं के बीच काफी हिट होने लगा। इसके मायने समझ आने के बाद हर किसी में वॉइस ओवर बनने की इच्छा जागने लगी और अब ये ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। बात करेंगे वॉइस ओवर के रूल्स की। होप वुडार्ड ने वॉइस ओवर के रूल्स भी बताए। उनके मुताबिक आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी सिचुएशनशिप में भी नहीं फंसेंगे और ना ही किसी डेटिंग ऐप के चक्कर में पड़ेंगे। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे। जिससे आपको खुशी मिलती है वो चीजें बिना रोक टोक के करेंगे। आज की दुनिया में सोशल मीडिया का इस्तेमाल युवाओं की तरक्की को कहीं ना कहीं रोक देता है, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे उससे कुछ चीजें सीखे भी, इसीलिए वो भी बॉय सोबर को पसंद करते हैं ताकि उनका बच्चा भी सोशल मीडिया पर वायरल रिलेशनशिप टर्म को फॉलो करके लाइफ में कुछ अच्छा करने की ओर आगे बढ़े, टॉक्सिक रिलेशनशिप में ना फंसकर कामयाबी हासिल करे। तो आज हमने जाना रिलेशनशिप के एक नए ट्रेंड बॉय सोबर के बारे में। उम्मीद करते हैं अगर आपको बॉय सोबर के बारे में पता नहीं था तो अब बहुत कुछ पता चल गया होगा। वैसे ये नई जानकारी आपको कितनी अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मसक अली को और देखते रहें मसक अली। शुक्रिया।